हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ तृप्ति सक्सेना और आज मैं बनाऊंगी फ्राइड कटहल, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं फ्राइड कटहल बनाना। तो उसके लिए हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता है एक बार देख लेते हैं। 250 ग्राम बॉइल्ड कटहल, एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल, आधा कप सूजी, नमक स्वाद अनुसार, एक प्याज जिसे मैंने स्लाइसिस में काट लिया है, एक छोटी चम्मच जीरा, लाल मिर्च पाउडर स्वाद अनुसार, हल्दी एक छोटी चम्मच, दो बड़े चम्मच बेसन, एक कप बॉइल्ड आलू, हींग एक छोटी चम्मच। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। कढ़ाई में मैं डालूंगी सरसों का तेल, और इसे अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे जीरा, हींग, छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, इनको हम मिला लेंगे इस तरीके से। अब हम डालेंगे इसमें प्याज, प्याज भून गया है तो अब हम इसमें डालेंगे कटहल, आलू, इन्हें एक बार मिला लेंगे। और अब हम डालेंगे इसमें मिर्च, लाल मिर्च आप अपने अनुसार डालेंगे, आपको जैसा चटपटा बनाना है, नमक, एंड फिर से इन्हें हम मिला लेंगे इस तरीके से आपस में। एंड अब हम इस पे डालेंगे ये बेसन, बेसन डालने से ये खिला खिला बनेगा, एकदम छितरा छितरा। आप लोग इस तरीके से अगर आप बनाओगे तो बहुत टेस्टी लगता है ये खाने में और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब हम डालेंगे इसमें सूजी, इन सबको मिला लेंगे आपस में। तो जब हम इसमें सूजी डाल देते हैं तो इसका टेस्ट बदल जाता है बेसन और सूजी से। इसे अच्छे से भुन जाने देंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर डाल देंगे इस तरीके से कसूरी मेथी, तो इसका और भी अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इसमें। भी हम मिला लेंगे अच्छे से। ये हमारा भुन गया है अच्छे से, और अब हम इसे निकाल लेते हैं एक सुंदर सी प्लेट में और इसकी प्लेटिंग कर देते हैं। तो हमारा ये फ्राइड कटहल बनके रेडी है। अगर आपको हमारा बनाया हुआ ये फ्राइड कटहल पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।